तो गाइस अभी देखिए हम जा रहे थे नेपाल, तो रास्ते में देख सकते हैं आप कितना बढ़िया भव्य देखे जंगल 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 देख रहे हैं, कितना जंगल है, बहुत ही गजब का नेचुरल जगह है दोस्तों। हम लोग अभी चल रहे हैं करीब 20 फीट ऊपर हैं, जमीन से 20 फीट ऊपर रोड पे चल रहे हैं, देख सकते हैं ये देखिए जंगल, और ये देखिए बीच में नदी, देख सकते हैं भैया ये नदी है, ये देखिए यहाँ से जो है ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों। ये देखिए पूरा ये सब हमें लग रहा है ना, ये फरिंदा वाला जो जंगल है यही जाके मिलता है क्या, लग तो इसे रहा है क्योंकि देख सकते हैं। नहीं यार फरिंदा जंगल ये नहीं है, मतलब फरिंदा जंगल 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 शायद यही है भैया, फरिंदा जंगल की कॉपी है लग रहा है, यही जंगल जाएगा फरिंदा जंगल में क्योंकि पेड़े सब सागवन की लग रही हैं। और अभी हम चल रहे हैं भैया नेपाल बॉर्डर की तरफ और हम आपको दिखाते हैं आगे नज़ारा, ये देखिए बहुत ही मतलब ये इधर नेपाल बॉर्डर की तरफ हम देख रहे हैं जिस हिसाब से वो उस हिसाब से लग रहा है कि मतलब सब गांव क्षेत्र, जैसे हम लोग उधर रहते हैं गांव क्षेत्र में वही से सब सेम लग रहा है। लेकिन एक चीज़ है इधर अभी तक रास्ते में आए कहीं हमको कुछ दिखा नहीं पेड़ मतलब उस तरीके का, लेकिन यहाँ आने के बाद देख रहे हैं कितना भव्य जो है मतलब पेड़ दोस्तों बहुत ज़्यादा पेड़ लगा है। और देखिए अभी हम बरगदवा, ये देखिए नेपाल के मतलब किनारे सिद्धार्थ नगर में ही पड़ता है बरगदवा, तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, अभी हम आपको नेपाल बॉर्डर का एक वीडियो शूट करेंगे नेपाल बॉर्डर का कि मतलब नेपाल किस तरफ है और इंडिया किस तरफ है, मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ये देखिए रमजान नगर को ही है, बीच रास्ते में पड़ता, रास्ते में सब रोडें पड़ रही हैं, हम आपको बताते चल रहे हैं। रमजान नगर पे अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और मज़ा आ गया दोस्तों। लेकिन आज घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है कि मतलब जो है एकदम से माइंड फ्रेश हो जा रहा है और वीडियो बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, वीडियो बनाने में ऐसे ही मज़ा आता है कि आप सभी का सपोर्ट मिले और घूम घूम के इधर उधर वीडियो बनाया जाए। और आप सभी को जो लोग बाहर है या जो लोग नहीं मतलब घूम पा रहे हैं या किसी कारण बस नहीं आ पा रहे हैं तो वो लोग वीडियो देख के इंटरेस्ट ले कि इतना गजब नेचुरल जगह, और कभी टाइम मिले तो एक बार ज़रूर जो लोकेशन आपको वीडियो में अच्छा लगे वहाँ ज़रूर घूमने के लिए आइए। तो देखिए भैया बहुत ही मतलब अच्छा आपको दिख रहा होगा, अभी देखिए जंगल ख़त्म नहीं हुआ, ये देखिए ये जंगल ख़त्म नहीं हुआ आपको दिख रहा होगा, देखिए जूम करके दिखा रहे हैं आपको, जंगल अभी ख़त्म नहीं हुआ भैया, देखिए देखिए जंगल ख़त्म नहीं हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये नेपाल के छोर के हम लोग आए हैं सिद्धार्थ नगर के एकदम लास्ट छोर पर, जो कि नेपाल यहाँ से टच होता है, यहाँ से नेपाल टच होता है अपना इंडिया का छोर जो है नेपाल वाला, वहाँ से टच होता है जहाँ हम लोग जा रहे हैं आज देखने के लिए। तो अभी रास्ते में हैं, अभी हम लोग चल रहे हैं देखिए, और ये देखिए सब गांव की क्षेत्र हैं, ये देखिए गाड़ी वाले भैया देखें कि वीडियो बन रहा है बस गाड़ी रोक दिए, ऐसा होना चाहिए यार, जहाँ मोड़ पड़े वहाँ गाड़ी रोक के निकलना चाहिए ताकि जो पब्लिक आए जाए उनको दिक्कत ना हो। तो अभी फ़िलहाल पहुँचने वाले हैं भैया नेपाल बॉर्डर पे और रास्ते में जा रहे हैं मिश्रा ट्रेडर्स, ये कौन सा चौराहा आ रहा भैया, दूल्हा चौराहा पहुंच गए हम लोग, दूल्हा चौराहा जो कि नाम तो सुने हैं बट आज देख भी लिए, दूल्हा चौराहा, दूल्हा चौराहा है ये, तो दुल्हन चौराहा भी आगे होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा कंफर्म नहीं मालूम है। ये सब कबाड़ी वाले भैया लोग हैं, हरिहर प्रसाद साहनी ये सब हैं, लुम्बनी रोड दूल्हा चौराहा पे हम लोग हैं। तो ओके